नाड़ी परीक्षण के हमने पहले पार्ट में देखा नाड़ी परीक्षण के लिए आपको जगह कैसे लोकेट करनी है। अगर आपने ये बात सीख ली तो 50% आपने नाड़ी परीक्षण सीख लिया। अगर आप नाड़ी परीक्षण की जगह को लोकेट नहीं कर पाओगे तो फिर आप नाड़ी परीक्षण कैसे करोगे। जब भी आप नाड़ी को चेक करें तो आपको ध्यान देना है नाड़ी की गतियों पे, और इसीलिए आयुर्वेदा में नाड़ी की गति को अलग अलग एनिमल की गति के साथ कंपेयर किया जिससे हम इसको इजी से समझ सके। वात जो हमेशा तिरछा या फिर टेढ़ा चलता है, जिस तरह से सांप चलता है, जिस तरह से झोंक तैरती है। पित्त मीन्स अग्नि, अग्नि हमेशा ऊपर की साइड चलती है। जिस तरह से मेंढक और कौवा चलता है वैसे ही गति पित्त की होती है। और कफ मीन्स पानी, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की साइड बहता है। और कफ का स्वभाव है कि वो मचलते हुए और आराम से चलता है, जैसे कि हाथी हिरन एंड मोर चलते हैं। आप नाड़ी की गति को समझो तो फिर आपको वात पित्त कफ तीनों समझ में आ जाएगा। और सबसे बेस्ट इजी वे है वात पित्त कफ को समझने का कि जब आप कोई बच्चे की नाड़ी चेक करोगे तो उसके अंदर कफ दोष ज्यादा होता है, तो आपको वहां से पता चलेगा कि कफ की गति कैसी होती है। आपको युवान की नाड़ी चेक करोगे तो आपको महसूस होगा कि उसकी बॉडी के अंदर पित्त दोष ज्यादा है, मींस युवानी में बॉडी के अंदर पित्त ज्यादा होता है। और अगर आपको वात की नाड़ी चेक करनी है तो आप कोई बुजुर्ग व्यक्ति की करें, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर के अंदर दर्द वगैरह बढ़ जाती है, मींस बुढ़ापे के अंदर बॉडी में वात बढ़ जाता है। जब आप तीनों तरह के लोगों की नाड़ियां चेक करोगे तो आपको समझ आएगा कि वात पित्त कफ तीनों का स्पंदन कैसा होता है। जब भी आप नाड़ी परीक्षण करें तो आप खुद एंड जो भी व्यक्ति की आप नाड़ी चेक करने वाले हो उसको 5 मिनट मेडिटेशन का बोले, क्योंकि अगर वह व्यक्ति चल के आ रहा है तो उसकी बॉडी में उष्णता बढ़ जाती है, फिर जो नाड़ियों की गति है वो ज्यादा कम हो जाती है। और इवन मेडिटेशन करने से बॉडी एंड दिमाग रिलैक्स होता है, तो आपके लिए भी ज्यादा इजी हो जाएगा नाड़ी को समझने के लिए, नाड़ी को महसूस करने के लिए। और एक बात कि आप जब भी नाड़ी परीक्षण करें नाड़ी की जगह पे आप तीनों उंगलियों को रख के 3 से 5 सेकंड प्रेस करके रखें, फिर हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़ें, अगेन 3 से 5 सेकंड इसको दबा के रखें। ये प्रोसेस आपको 3 से 5 बार करनी है। एक करने से जो नाड़ी की जगह है वो आपको अच्छे से महसूस होगी और उसका जो स्पंदन है वो भी आपको पता चलेगा। इसलिए नाड़ी परीक्षण सीखने का सबसे बेस्ट वे है कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा नाड़ियां चेक करें। सबसे पहले आपको ये पता चल जाए कि वात पित्त कफ तीनों का स्पंदन कैसे होता है। जितना ज्यादा आप लोगों की नाड़ियां चेक करोगे, जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना इजी होगा आपके लिए नाड़ी परीक्षण को सीखना, नाड़ी परीक्षण को समझना। अभी तक जो हमने बात की वो थी नाड़ी परीक्षण की जनरल बातें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नाड़ी परीक्षण के लेवल के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।